क्वार्टर फाइनल का मैच आज खेला जाएगा। वेस्ट स्ट्राइकर के कप्तान साहिद और डालीगंज योद्धा के कप्तान अंकित के बीच, और जो मैच जीतेगा उसे फाइनल खेलेगा। सिक्का उछलने जा रहा है, कॉल करेंगे वेस्ट स्ट्राइकर के कैप्टन साहिद भाई। और ये क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाएगा वेस्ट स्ट्राइकर वर्सेस डालीगंज। बहुत ही कड़ा मुकाबला, जो भी ये मैच जीतेगा सीधे सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। काफ़ी कुछ घटा है इस टूर्नामेंट में, और आंसू अग्रवाल पहला ओवर लेकर आए हैं, सामना करेंगे सारिफ। खेल दिया है बढ़िया तरीके से, बढ़िया शॉट है, लगा फील्डर दीपांशु है वहाँ पे। और स्ट्राइक पे आ जाएंगे आमिर, बाएं हाथ का बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी करने आता है फील्डिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, चेंज करनी पड़ती है, और आशु को ये खूब पता है। बढ़िया गेंदबाज है, मगर कट कर दिया है, अच्छी फील्ड। रावत की घायल है, मगर जुनून देखिए क्रिकेट का कि ग्राउंड पे है, इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है। अच्छी शॉट खेल दिया है वहाँ पे, बढ़िया फील्ड गोलू की, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। जो भी ये मैच जीतेगा सेमीफाइनल पहुँच जाएगा। बढ़िया शॉट है, खूबसूरत शॉट है, और मिस फील्ड करेंगे वहाँ पे आमिर भाई थे, चार रन, नाखुश होंगे आशु। बढ़िया चौका आमिर के बल्ले से निकलता हुआ, एक बार फिर रन अप लेंगे आशु भाई। बड़ा विकेट होता अगर कैच पकड़ते फैसल। बहुत आरिफ भाई कप्तान है अंकित तलवार डालीगंज के, खेल दिया हल्के हाथों से, फील्डर है वहाँ पे, एक रन मिल जाएगा और एक्स्ट्रा का भी एक रन हो जाएगा, एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करनी होगी। दो रन हुए, रन अप लेते हुए एक बार फिर अंकित, बढ़िया बॉल कर रहे हैं अंकित, सम्मान दिया आरिफ ने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान अंकित तलवार, बढ़िया खूबसूरत शॉट है, फोलार्ड है वहां पे, और बेहतरीन कैच पकड़ेंगे, गजब का कैच, जाना होगा तारिफ को, बहुत ही बड़ी सफलता। बल्लेबाजी करने आए हैं सहजादे, बॉल करेंगे अंकित तलवार, कप्तान है, बड़ा विकेट निकाला था, एक और मौका रन आउट के रूप में, मगर वहाँ पे अगर एक बार में कलेक्ट होती और बैटिंग एंड थ्रो होता तो रन आउट मिलता यहाँ पे। ये बढ़िया बॉल अंकित तलवार की, एक और मौका बना है, बहुत मिसफील्ड हो रही है, मौके मिल रहे हैं डालीगंज को मगर उसको भुना नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर रन अप लेंगे तलवार सहजादे के लिए, बढ़िया शॉट है आगे निकल के, क्या खूबसूरत चौका लगाया है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, हेल नहीं पाएंगे, मिलेंगे चार रन। दो ओवर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर वेस्ट स्ट्राइकर, और तीसरा ओवर लेकर आए हैं आमिर भाई। बॉल करेंगे स्लोअर रहेगी या तेज रहेगी, बढ़िया बॉल ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के फेंका, डॉट हुए आमिर, रन अप लेते हुए एक बार फिर आमिर भाई। वाइड बॉल थी और बैट लगा दिया है, और दीपांशु है बॉल के पीछे, वहां पे दो रन हो जाएंगे आसानी से। रन अप लेते हुए एक बार फिर, बढ़िया बॉल है, काफी तेज निकल रही है इनकी बॉल, टिप खाने के बाद शॉर्ट पिच लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पेस मिल रहा है और बॉल स्केट कर रही है। बोल्ड कर दिया है यहाँ पे आमिर को अमित ने, बहुत ही बड़ा विकेट, जाना होगा आमिर को, रन अप लेते हुए एक बार फिर अमित भाई। साहिद के लिए बढ़िया बॉल, कप्तान है साहिद भाई, पिछली बार जो मैच जीते थे इन्हीं की बदौलत, नाबाद खेली थी इन्होंने लगभग 80 रन की पारी जिसकी बदौलत मैच जीत गए थे। तीन ओवर 18 रन दो विकेट, बढ़िया बॉल आंसू की, सम्मान दिया कप्तान साहिद ने। साहिद में एक खूबी है, ये अपने ही ऊपर विश्वास करते हैं,
अपने बल्ले से रन बनाते हैं और टीम को मैच जीत हासिल कराते हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी थी यहाँ पे आशु भाई की, खतरनाक बॉल पैरों के बीच से निकल गई। काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, अनुभव है इनके पास। रिवर्स खेलना चाहते थे मगर यहाँ पे फिर एक मौका, डायरेक्ट हिट होती तो जाना होता कप्तान साहिद को। नाखुश होंगे गोलू अपने थ्रो से। शहजादे आ गए स्ट्राइक पे, कोई मौका नहीं दे रहे आशु अग्रवाल। खेल दिया है, एक और मौका है मगर थोड़ा ऊपर रहेगी बॉल, जिसके चलते एक रन मिल जाएगा। क्या बेहतरीन चौका आ जाएगा वहां पे, रोक लेंगे अंकित। बढ़िया फील्ड है ये तो, आईपीएल की तरह फील्ड करते हैं, बॉल को पास कर दिया है। काफी बार ऐसा देखने को मिलता है 2020 मैचों में, अंकित तलवार बहुत अच्छे फील्डर हैं। आशु भाई क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं आज, पूरे अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मुकाबला है ये, इस मैच की अहमियत जानते हैं, ये फाइनल के काफी करीब ले जाता है, क्वार्टर फाइनल। 4 ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर वैश्य स्ट्राइकर 5वां ओवर लेकर आए अमित भाई। बढ़िया शॉट है, फील्डर फैसल है वहां पे, अच्छी फील्ड, एक रन मिलेगा। काफी हद तक कप्तान साहिद के ऊपर मैच निर्भर करता है जीत हार। वाइड बॉल, स्कोर में एक रन का इजाफा अतिरिक्त के रूप में। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं साहिद भाई और अमित भाई, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज। बढ़िया शॉट है, क्या फंसा लिया है, और हाँ जरूर फंसा लिया है, विकेट, जाना होगा साहिद भाई को, कप्तान साहिद आउट हुए काफी हद तक मैच टाइम के ऊपर। और शुएब आए हैं साहिद भाई की जगह लेने, काफी नामी बल्लेबाज हैं शुएब। पहली बॉल पे स्वीप कर दिया है मगर एक रन, वहां पर दीपांशु है, अच्छे प्लेयर हैं। बढ़िया शॉट है, क्या ये चौवा रोक पाएंगे, रावत अच्छा प्रयास मगर नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, बेहतरीन चौका यहाँ पे शहजादे का। काफी अच्छा खेल रहे हैं शहजादे, लिए बहुत ही नामी बल्लेबाज हैं शुएब, काफी नाम था इनका बल्लेबाजी में एक टाइम पे। 5 ओवर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर वेस्ट स्ट्राइकर 6ठा ओवर लेकर आए हैं रावत, सामना करेंगे शहजादे। बढ़िया शॉट है, आशु है वहां पे, बढ़िया कैच सीधे हाथों में थमा बैठे शहजादे। नाखुश होते हुए शुएब समझा रहे हैं कि विकेट नहीं देना है, विकेट देंगे तो मैच से काफी दूर होते जाएंगे। नए बल्लेबाज आए हैं आसिफ भाई, बॉल करेंगे रावत, बढ़िया बल्लेबाज हैं, बाहर मारना चाहते थे मगर डॉट हुई। रन अप लेते हुए एक बार फिर आसिफ के लिए रावत, उठा के खेल दिया है जफर है वहां पे, बढ़िया कैच होता अगर पकड़ते, वापसी करते, ड्रॉप करेंगे, बहुत ही मिसफील्ड हुई है आज डालीगंज में। काफी नाखुश होते हुए, आपको आज 2014 वाली पारी खेलनी होगी। बढ़िया बल्लेबाज है और वहां पे डायरेक्ट हिट होती शायद मौका होता। रन अप लेते हुए एक बार फिर रावत, काफी भाई के लिए बढ़िया शॉट है, मौका नहीं पाएंगे इस बॉल को रोकने का। बहुत ही गजब का चौका, लड़खड़ाती हुई पारी को संभालना होगा वेस्ट स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को। कासिफ और शुएब के ऊपर भारी जिम्मेदारी, सीधे खेल दिया है उठा के पॉइंट पे, फील्डर गोलू है, अच्छी फील्ड, हाना हाना विकेट तो नहीं देना होगा एक रन के लिए वरना काफी नीचे चली जाएगी आपकी टीम। 6 ओवर 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर वेस्ट स्ट्राइकर 7वां ओवर लेकर आए हैं गोलू। बहुत ही कड़ा मुकाबला होना है ये, सामना करेंगे कासिफ भाई, बढ़िया तरीके से खेला है हल्के हाथों से एक रन के लिए। रन अप लेते हुए सेव के लिए गोलू, क्या शानदार शॉट लगाई है, बहुत ही अच्छी शॉट मगर बड़ा आसान सा कैच, बॉल नहीं गई, बॉल फंस गई और विकेट। स्वैप का शॉट तो बहुत जानदार था, नई बॉल से बड़ा टफ है छक्का लगाना, जिसके चलते स्वैप को जाना होगा। काफी बड़ा विकेट निकाला है गोलू ने और स्वेप की जगह लेने आए इश्तियाक, स्वेप का विकेट नहीं, मैच था वो डालीगंज के लिए। बढ़िया बॉल गोलू की, डॉट हुए,
अच्छी बॉल डॉट वे, एक बार फिर छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, एक और अच्छी बॉल, मना किया वहां पे, रन नहीं लेंगे काफी भाई। बढ़िया बॉल, एक और पकड़ बना लिया डालीगंज ने मैच में, काफी जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी वैश्य स्ट्राइकर के बल्लेबाजों को। यहां से स्ट्राइकर छठा ओवर लेकर आए हैं, रावत सामना करेंगे काफी भाई। रन अप लेते हुए रावत एक बार फिर, फील्डर है वहां पे अविनाश, एक और अच्छी बॉल डॉट वे, क्या गजब की शॉट है, मगर जफर है वहां पे, अच्छी फील्ड है, एक रन मिलेगा। इश्तियाक है बल्लेबाज, बॉल करेंगे रावत, खेल दिया है खुद ही रावत को, कैच पकड़ना होगा, अच्छा कैच, विकेट जाना होगा इश्तियाक को। फैजी आए हैं नए बल्लेबाज, बढ़िया बॉल, निकलती हुई बॉल, बहुत अच्छा ओवर घटा यहाँ पे रावत का डालीगंज के लिए, 8 ओवर 39 रन, बढ़िया बॉल गोलू की, बढ़िया बॉल डॉट हुए, रन अप लेते हुए एक बार फिर गोलू, नो बॉल है वहां पे, फ्री हिट है, मौका है फैजी के पास और मना किया वहां पे, क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, स्ट्राइक लेंगे कासिफ भाई, थ्रो बाई का रन, फ्री हिट है वहां पे, कासिफ भाई क्या फायदा उठा पाएंगे फ्री हिट का, अच्छी बॉल गोलू की, डॉट कराया, बढ़िया शॉट पोलार्ड है वहां पे, जानते हैं विकेट गिर गए हैं वेस्ट टाइगर के, तो विकेट रोक के खेल रहे हैं कासिफ भाई, गलती नहीं कर रहे हैं, सिंगल डबल भी निकाल रहे हैं, बड़ी शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचा पाएंगे, सामना करेंगे फैजी, बॉल करेंगे गोलू, बड़ी शॉट लगाना चाहते थे मगर 4 रन तो मिल ही जाएगा, क्या खूबसूरत चौका लगाया है वहां पे फैजी का, शानदार चौका बल्ले से निकलता हुआ, क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी, फैजी कई बार बड़ी शॉट लगाते हैं मौके पे, मैच जिताते हैं, आज भी कुछ ऐसा ही खेलना होगा, बढ़िया शॉट है, अच्छी कनेक्ट हो रही है, एक अच्छा मैसेज है वेस्ट स्ट्राइकर के लिए कि दोनों आज बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, लगभग 9 ओवर 47 रन, 6 विकेट के नुकसान पर वेस्ट स्ट्राइकर, आंसू भाई आए हैं गेंदबाजी करने, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, बढ़िया बॉल एक और डॉट हुए फैजी, बड़ी शॉट लगाना चाहते थे मिस हुए क्योंकि काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं आंसू भाई, बढ़िया शॉट खेल दिया है फील्डर जफर है वहां पे, खराब थ्रो मगर अच्छा बचाया मन्नू ने वहां पे, रन अप लेते हुए आंसू भाई एक बार फिर, बोल्ड कर दिया है यहां पे फैजी को, जाना होगा, पूरी तरीके से बिखर सी गई है वेस्ट टाइगर की टीम, काफी अच्छा विकेट आंसू भाई, 10 ओवर 50 रन, 7 विकेट के नुकसान पर वेस्ट टाइगर, बॉल करेंगे रावत, सामना करेंगे कासिफ भाई, बढ़िया शॉट है, गजब का छक्का, क्या शानदार छक्का लगाया है ऑफ का कासिफ भाई ने, मैच को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाते हुए, रन अप लेते हुए एक बार फिर रावत, वाइड बॉल, स्कोर में 1 रन का इजाफा होता हुआ अतिरिक्त के रूप में, आसान नहीं होगा ये मैच डालीगंज के लिए क्योंकि गेंदबाजी है और ताकत भी है, 6 रन नहीं बचा पाएंगे, दीपांशु अच्छा प्रयास, गजब का छक्का यहाँ पे,
कासिफ भाई के बल्ले से निकलते हुए बैक टू बैक दो छक्के। अकेले फाइट कर रहे हैं कासिफ भाई, फिर से बड़ी शॉट लगाना चाहते थे मगर बॉल तलवार के पास, एक रन। काफी बड़ा मुकाबला होना है ये। बढ़िया बॉल रावत की, डॉट हुए। खेल दिया है उठा के, मौका बना है वहां पे, फैसल है, अच्छे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच पकड़ेंगे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी तो इनके पास एक नंबर की है, बल्लेबाजी भी लाजवाब करते हैं। जैसा मैंने कहा, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। क्या खूबसूरत क्लासी चौका निकाला है पहली बॉल पे खालिद ने, इनको कम नहीं आंकना होगा, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं खालिद। 11 ओवर 68 रन 8 विकेट के नुकसान पर वेस्ट स्ट्राइकर सामना करेंगे कासिफ भाई। बड़ी शॉट लगा सकते थे इस बॉल पे मगर थोड़ा सा मिस किया, मुस्कुराते हुए समझ गए कि ये बॉल बाहर पहुंचा सकते थे मगर कनेक्ट नहीं हुई सही से। 80 रन तक अगर पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर से खेला है, एक रन मिल जाएगा आसानी से, मना किया कासिफ भाई ने। खालिद के पास ताकत है छक्का लगाने की। खालिद स्ट्राइक पे बॉल करेंगे डालीगंज के कप्तान अंकित तलवार। बढ़िया शॉट है, दीपांशु के हाथों में दे दिया है सीधे कैच। अच्छे खिलाड़ी हैं दीपांशु, गलती नहीं करते हैं। जाना होगा खालिद को, लास्ट बल्लेबाज आयान। बहुत अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं तलवार, क्या गजब का खेला है स्टाइलिश। मगर एक ही रन मिलेगा, काफी बाई स्ट्राइक पे आ जाएंगे। रन अप लेते हुए बढ़िया खेले मगर मना किया काफी भाई ने, सिंगल नहीं लेंगे। फर्स्ट इनिंग की लास्ट बॉल है, क्या काफी भाई इस पे छक्का लगा पाएंगे। काफी अच्छा खेले हैं, ये जो स्कोर है इनकी बदौलत है। बढ़िया शॉट, छक्का तो नहीं है मगर एक रन आसानी से, दो रन की कॉल है मगर रन आउट हो जाएंगे, एक ही रन मिलेगा, विकेट। यहाँ पे इनिंग समाप्त हुई और टीम ऑल आउट हुई वेस्ट टाइगर की। 70 रन बनाए हैं वेस्ट टाइगर ने, 72 रन जीतने के लिए बनाने होंगे डालीगंज को। अयान नॉट आउट, तलवार की काफी अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाजी करेंगे खालिद, सामना करेंगे दीपांशु। खेल दिया है उठा के कवर्स पे, 4 रन के लिए, अच्छी शॉट दीपांशु की। घातक गेंदबाज है, बढ़िया छक्का मिला के मार दिया है सामने, 4 रन, बैक टू बैक दो चौके लगा दिया है दीपांशु ने। काफी फाइट होनी इस मैच में, स्टार्ट भले ही तेज हुआ हो आगाज मायने रखता है। क्या गजब के 3 चौके लगाए हैं बॉल टू बॉल, बहुत जल्दी में लग रहे हैं दीपांशु सेमीफाइनल की तरफ। फिर से खेल दिया है चौथे चौके के लिए, 4 बॉल 4 चौके, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपांशु। रन अप लेते हुए एक बार फिर खालिद, खेल दिया है और वहां पे फैजी, बढ़िया फील्ड फैजी की वहां पे। 1 ओवर 70 रन, दूसरा ओवर लेकर आए शरीफ, सामना करेंगे दीपांशु। बढ़िया बॉल, बच गए। खेल दिया उठा के, वहां पे आयान पहुंच जाएंगे मगर चोट लग जाएगी, चौवा तो बचा लिया है। क्या गजब की डाइव मारी आयान ने, तारीफ करनी होगी आयान की, बहुत ही जुनूनी प्लेयर है आयान। वाइड बॉल, स्कोर में एक रन का इजाफा, बढ़िया एक और बॉल शरीफ की, नाखुश होते हुए दीपांशु। खूबसूरत शॉट है 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट है, खूबसूरत शॉट, 4 रन,
बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं डालीगंज बल्लेबाज, एक तरफा कर दिया है मुकाबला, मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है मैच में। सारे बढ़िया बॉल डॉट हुए, दो ओवर 30 रन, दो ओवर 30 रन थे और वाइट आ गई एक रन एक्स्ट्रा का। मन्नू का खूबसूरत रिवर्स का छक्का, क्या नई बॉल से छक्के स्पेशलिस्ट कह सकते हैं इनको, नई बॉल से सबसे मक्खन की तरह छक्के मार लेते हैं ये। वाइट बॉल और 5 रन मिल जाएंगे पंजा। मन्नू ने चौका लगाया इससे पहले, रिवर्स खेलना चाहते थे मगर डॉट हुए। और अच्छी बॉल फैजी की, फैजी खेल दिया है, मौका बना है, अच्छा प्रयास वहां पे साहिद भाई का, मगर एक रन रन अप लेते हुए आमिर, बढ़िया शॉट है, फील्डर आयान काफी अच्छे फील्डर हैं। एक रन, 3 ओवर में 46 रन थे, चौथे ओवर की पहली बॉल पे सिंगल आ गया, रन अप लेते हुए आमिर दीपांशु के लिए, बढ़िया बॉल है डॉट हुए। क्या इस मैच में कोई ट्विस्ट अभी बाकी है या अच्छी बॉल यहाँ पे आमिर की, दीपांशु सेट हो चुके हैं, बढ़िया शॉट, बड़ी शॉट लगाना चाहते थे मगर एक ही रन मिलेगा स्ट्राइक पर, मन्नू आ जाएंगे। बढ़िया शॉट है, ऑफ का चौका, गजब का चौका यहाँ पे, इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर 52 रन, 5वां ओवर लेकर आए फैजी, फैजादे बॉल को चेस करेंगे, 4 रन, अच्छी शॉट दीपांशु की, बढ़िया खेल रहे हैं दीपांशु, लगातार छक्के चौके लगा रहे हैं, एक तरफा कर दिया है मुकाबला, दो खेल दिया है, मौका बनाया है वहां पे, बढ़िया कैच, जाना होगा दीपांशु को, दोनों भाइयों की जोड़ी क्रीज पे, मन्नू और अविनाश, नए बल्लेबाज अविनाश आए हैं, बॉल करेंगे फैजी, बढ़िया बॉल, बढ़िया शॉट अविनाश की, खेल दिया है एक रन के लिए, स्ट्राइक पे आ जाएंगे मन्नू, 5 ओवर 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर डालीगंज, छठा ओवर लेकर आए हैं आमिर, मिस किया विकेट को बॉल ने जरा सा, बढ़िया छक्का है अविनाश के बल्ले से निकलता हुआ, जबरदस्त छक्का, क्या गजब के बल्लेबाज हैं, बहुत ही बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में अविनाश, 65 रन हो चुके हैं यहाँ पे डालीगंज के, बढ़िया बॉल स्टंप को मिस करती हुई, यहाँ मेरा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मगर थोड़ा रन कम बने जिसकी वजह से मुकाबला एक तरफा नज़र आ रहा है, अगर यही 100 रन बने होते या 90 होते तो मैच में अच्छी फाइट होती। गैप में चौका, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसी चौके के साथ 69 रन पूरे हुए डालीगंज, मात्र 3 रन दूर जीत से डालीगंज, खेल दिया है, हवा में बॉल है फैजी और वहां पे
चार रन। इसी चौके के साथ मैच जीतती हुई डालीगंज सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। काफ़ी अच्छा खेले यहाँ पे मन्नू, अविनाश और दीपांशु, क्या बेहतरीन खेले। अब अगला मुकाबला सेमीफाइनल का होगा डालीगंज का।